उससे आगे नहीं जा रही मैं, मुझे डर लग रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हूँ कोडैकनाल में। तो अभी हम लोग उतरे हैं बस से। कल रात को हम बैंगलोर से बैठे थे 10 बजे और अराउंड 9:30 बज गई है, अभी हम उतरे हैं। थोड़ी लंबी जर्नी थी यार, पर रास्ते में ना व्यू बहुत ही अल्टीमेट था। कर थोड़े से ज्यादा थे और रास्ता बहुत ही ज्यादा नैरो था। अगर सामने से कोई बस आ जाए ना तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे रिसोर्ट जो हमने किया है, तो मेनली यहाँ से ना कैब वगैरह करनी पड़ती है। मतलब बस स्टैंड से आप उतरोगे ना तो आपको कैब से ही जाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऑटोज वगैरह नहीं होते लोकल, और मिनिमम कैब चार्जेस 350 होता है। तो अभी हम लोग एक जगह बात कर रहे हैं कि वो हमें ना, मतलब नेक्स्ट कल हमें घूमने जाना है और आज भी घूमने जाना है, तो उसके लिए भी हमें कैब करनी पड़ेगी। अभी हम ऐसी कैब कर रहे हैं जो हमें होटल भी ड्रॉप कर दे, जिससे हमारे को 350 रुपीज भी बचे, और उसके बाद में होटल से पिक करके हमें सारे व्यू दिखा के वापस होटल ड्रॉप कर दे शाम में। यहाँ पे फ्रूट्स बड़े अच्छे अच्छे दिख रहे हैं यार। ये देखो आलू बुखारा कितना बढ़िया लग रहा है यार, और ये एक और फ्रूट है, ये मुझे नाम नहीं पता है इसका। काफी अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, सारे फ्रूट्स ट्राई तो करेंगे यार। रामफल, रामफल, अच्छा ये रामफल है। उसके बाद हमने 2 दिन के लिए सिटी से ही कैब कर ली, जिसने हमसे 4,400 रुपीज चार्ज किया। उसके बाद हम निकल गए हमारे रिसोर्ट के लिए। तो हमारा रिसोर्ट था स्टर्लिंग कोडई वैली, जो बहुत ही सुंदर और पीसफुल प्रॉपर्टी थी। यहाँ 4 कैटेगरी के रूम्स हैं, क्लासिक, प्रीमियम, प्रिविलेज और फैमिली। हमारा 2nd कैटेगरी रूम था, तो चलिए आपको मेरा रूम दिखाती हूँ। बेड है, एक मिरर है बड़ा सारा, ये सोफा भी है, इधर थोड़ा सा ये किचन का एरिया है, एक अलमीरा है जिसमें हम ऑलरेडी सामान रख चुके हैं। ये 2nd कैटेगरी है, इनके पास 4 कैटेगरी के रूम्स हैं, हमारा वाला 2nd कैटेगरी है। ये बालकनी है जहाँ से आप व्यू देख सकते हो। हमें ये रूम डिनर प्लस ब्रेकफास्ट के साथ में अराउंड 10K पड़ा। तो अभी हम लोगों ने होटल चेक इन कर लिया, रेस्ट भी कर लिया आराम से, और रेस्ट करके अब हम लोग निकल रहे हैं कुछ पॉइंट्स कवर करने कोडैकनाल के। तो जो हमने कैब की बात की है वो 2 दिन के लिए की है, तो अभी 2 दिन की कैब हमें पड़ी है 4,400 में। तो वो हमें जो भी कोडई के पॉइंट्स है वो सब कवर करवाएगा। तो अभी हम लोग आज निकल रहे हैं, 12 बज गई है, अभी निकलेंगे, और आज 7 बजे तक कवर करेगा, और कल वो करेगा 12 से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि कल शाम को हमको ना मदुरई निकलना है, क्योंकि हमारी मदुरई से ट्रेन है वापस बेंगलोर के लिए, तो हम एक दिन मदुरई भी रुकने वाले हैं। तो ये प्लान 2 दिन का है, तो अभी बने रहिए मेरे साथ, दिखाऊंगी मैं 2 दिन में हमने क्या क्या किया, कौन कौन से पॉइंट एक्सप्लोर किए। अच्छा नॉर्थ इंडियन मिलेगा? अच्छा नहीं रहेगा, पैसे नहीं चाहिए, ऑल आइटम फ्री। ओनली नॉर्थ इंडियन। तो हमने ऑर्डर किया है कढ़ाई पनीर, पराठा, और उन्होंने अचार कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। तो ये बस स्टैंड है, यहाँ पे बस स्टैंड के पास में अरोमा है, अरोमा के जस्ट सामने आपको ये मिलेगा, यहीं पे देखो ये रहा वो रहा पंजाबी ढाबा करके, तो यहाँ पे यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चले जाना, ये रसोई वेजिटेरियन लिखा है ना उसके अंदर ऊपर चले जाना, लास्ट में आपको मिलेगा, तो वहाँ पे आप खा सकते हैं। तो अभी लंच कर लिया है हमने, लंच अच्छा लगा मेरे को, मतलब डिसेंट सा था, मैं ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगी तो बुरा भी नहीं था, डिसेंट था, पेट भर गया। यहाँ पे ना एक बड़ा लोचा है, एक्चुअली यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल्स अलाउड नहीं है, जो अपन 1 लीटर की बिस्लरी की बॉटल्स लेते हैं वो आप नहीं ले सकते यहाँ पे, अगर लेना है तो बड़ा कैन ही लेना पड़ेगा, या तो 10 लीटर का या 5 लीटर का। तो अभी हम आए अपने फर्स्ट स्पॉट पे जो है वटकनल फॉल्स। तो ये जो आप देख रहे हैं वटकनल फॉल्स है, आओ नीचे आते ये सब दिख रही है, ये रूट्स हैं,
और कितने सही लग रही है यार, देखो वो है हमारा वाटरफॉल। नहाना है तो नहा सकते हैं, और हमें नहाना वाना नहीं है तो हम ऐसे ही बाहर से देख रहे थे, ठंड हो रही है कौन ही नहाएगा। लोग वहाँ जो है वो भी नहा नहीं रहे हैं, वो भी जस्ट वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाने गए हैं। तो आप करवा सकते हो, फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो, नहाना है तो नहा भी सकते हो। ये देखो कितनी प्यारी है, क्या है बहुत ऐड करो और कास्ट वाइज करो। कितना? 30 रुपीज़ पूरा। सीट्स खाना। ये है पैशन फ्रूट, मैंने आपको पहले भी खाया। सीट्स खा जाओ, सीट्स भी खा जा रहा है ऐसा आंटी बोल रही है। अच्छा है वैसे। तो ये है ट्री टोमेटो, और इसको ये मसाला डाला है अंदर इन्होंने, और अब इसको ऐसे ही पीना है। देखो अब इसको बस ऐसे ही पीना है। कभी डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है यार, मैंने कभी नहीं खाया ये वाले फ्रूट। मैं देखो दबाते जाओ निकल जाएगा। तो अभी हम आए हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो है डॉल्फिन नोज। ये देखो कितना मस्त व्यू लग रहा है, अभी हमें सीधा जाना है। तो यहाँ से हमें है। पहले आता है माउंटेन व्यू, जो अराउंड टॉप से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आता है डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट, जो माउंटेन व्यू से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आता है लायन केव, जो डॉल्फिन नोज से अराउंड 300 मीटर की दूरी पर है। तो अब हम जा रहे हैं डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट। तो अभी हम पहुंच गए हैं डॉल्फिन नोज, वो जो है वो है डॉल्फिन नोज वाला व्यू पॉइंट, वहां चलते हैं। ये देख रहे हो बड़े बड़े झाड़, ये सारे नीलगिरी के झाड़ हैं। डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट पर आपको 6600 फीट एल्टीट्यूड पर बनी एक रॉक मिलेगी, जो दूर से देखने पर बिल्कुल डॉल्फिन नोज जैसी ही लगती है। यहाँ आप एच पे जाकर फोटोज खिंचवा सकते हैं, अगर आप मेरी तरह डरपोक नहीं है तो। बीच में चल, बीच में। ये डेंजरस है। इससे आगे नहीं जा रही मैं, मुझे डर लग रहा है। धीरे 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 धीरे। नहीं भाई चक्कर आते हैं, वहाँ बहुत नीचे है वो। देखो इसके बीच में एक फॉल्स भी है यार। बहुत अच्छा है। तो अभी डॉल्फिन नोज देख के हो गया है यार, थोड़ा सा डेंजरस था यार। मतलब अब जब आप एकदम एच पे चले जाते हो, उसके बाद में आप जब नीचे देखते हो ना, तो लिटरली चक्कर आते हैं, मुझे तो आ रहे थे यार। और एक्चुअली आप इतना दूर से चलकर भी आए हो ना, तो वैसे भी थोड़ा तो सर घूमता ही रहता है, जो नीचे देख देख के चलना होता है सर वैसे ही घूम रहा होता है। और जब आप
वहां पॉइंट पे पहुंचते हो तो ऐसा लगता है यार, मेरे को तो ऐसा लगा मैं गिर जाऊंगी, मैं वापस आ गई। ये वाली और भी टफ है यार, नीचे जाना पूरा 90 डिग्री ऐसे है और पत्थर ही पत्थर है। तो अभी हम आ गए हमारे थर्ड स्पॉट पे जो है लायन केव। ये देखो ये पूरा एक गुफा जैसा लग रहा है, पहाड़ है और नीचे देखो। तो अभी हालत खराब हो चुकी है यार, सिर्फ अभी हम वो लायन केव से ऊपर आए डॉल्फिन नोज तक, हार्डली कितना नहीं है यार, वो 100 मीटर 200 मीटर भी नहीं है। और तो मैं आपसे एक चीज सजेस्ट करती हूँ, लायन केव नहीं भी जाओगे तो चलेगा, आप डॉल्फिन नोज तक जाके आ सकते हो क्योंकि नीचे बहुत हार्ड है यार, चढ़ाई और उतराई दोनों बहुत हार्ड है। फाइनली मैंने पानी लिया है भैया से, उनके पास ये बॉटल थी, उन्होंने गिलास में दिया है मुझे। अभी देखो गौरव जा रहा है ना, ये पूरी वाली चढ़ाई करके ऊपर जाना है, धीरे धीरे चलेंगे। की दुकान है पीछे जो देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने एक बच्चे को देखा तो मैंने ऐसे जनरली पूछ लिया कि यार यहाँ से वो लोग जाते कैसे हैं स्कूल, तो उनके स्कूल कोड़ई में है, मतलब यहाँ से 7 किलोमीटर दूर, और डेली वो 7 किलोमीटर पैदल जाते हैं, मतलब यहाँ से सारे बच्चे, मतलब जो भी यहाँ पे जितने भी घर हैं वो सारे बच्चे एक साथ 7 किलोमीटर पैदल जाते हैं, उनको 1.5 आवर्स लगता है पहुँचने में, फिर 1.5 आवर लगता है आने में। यार ये कितना ज़्यादा स्ट्रगल है, मतलब पढ़ाई तो अलग लेवल है, उसके बाद बच्चों का जाना ही अपने आप में इतना बड़ा स्ट्रगल है। ये देख के तो यार मतलब मैं तो 3 बार पूछा, लिटरली पैदल जाते हैं 7 किलोमीटर पैदल जाते हैं, बहुत हार्ड है यार, पहाड़ों पे ना जिंदगी बहुत मुश्किल है सच्ची, मैंने सुना ही था लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है सच में बहुत हार्ड है यार। हम लोग जो जी रहे हैं वो तो बहुत सही ज़िंदगी है यार, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी की, लिटरली जो हम नहीं करते हमें हमेशा कमी लगती है हर चीज़ में, लेकिन आप यहाँ देखो, हमें तो ऑटो लेने आता था, ऑटो छोड़ने जाता था तो भी पढ़ने में इतना जोर आता था, यहाँ लोग 1.5 घंटा पैदल चल के स्कूल जाते हैं यार। यहाँ पे ना ये वाले फ्लैट्स काफ़ी जगह पे हैं, मुझे नाम नहीं पता, प्लीज़ अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट करके बताना है कौन से फ्लैट्स हैं यार, काफ़ी जगह हैं ये वाले फ्लैट्स। अब हमें ये सीढ़ियाँ चढ़नी है। जोश अभी मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मैं कुछ नहीं बोल सकती अभी, मुझे बस ऊपर पहुंचना है, मतलब ऊपर नहीं पहुंचना, ऊपर जाना है मेरे को, बहुत थक गई हूँ यार, लेट्स गो। तो अभी हम लोग आए हैं चॉकलेट मार्केट, कोड़ई करनाल के चॉकलेट मार्केट नहीं कह सकते, मतलब कैब वालों का सबका टाइप होता है एक पर्टिकुलर शॉप्स के साथ में, तो हमें भी वो एक शॉप पे रोका है, जैसे आप पीछे देख सकते हो यहाँ पूरी चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स मिलती है। आपको पता है मैं 10 साल या आई थिंक 12 साल पहले कोड़ई करनाल आई थी जब मैं छोटी थी, तो तब का मुझे और कुछ ज़्यादा याद नहीं है, बट ये मुझे अच्छे से याद है कि मैं हर शॉप पे जा जा के चॉकलेट्स खाती थी, तब से मुझे ऐसा लगता है यार कोड़ई करनाल में तो चॉकलेट फ्री की मिलती है, वहाँ आराम से शॉप पे जाओ चॉकलेट ट्राई करो और आ जाओ। तो मैं अभी मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें थी कि यार वहाँ पे तो चॉकलेट्स मिलेंगे, अभी थोड़ी सी और चॉकलेट्स ट्राई कर लेते हैं। देखो मैडम ये भी काके देखो, ये खास ये डार्क चॉकलेट है, हां वही डार्क है, ये काके देखो खास रिटर्न के डबल ड्रोमा, ये वाला काजू चॉकलेट है, सिर्फ आपको मेरे पास 120 वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स मिलता है, सिर्फ ऐसा ड्राई फ्रूट्स वैरायटी लेगा तो ये 25 वैरायटी मिक्स होएगा, ऐसा ड्राई फ्रूट्स वैरायटी लेगा तो, ऐसा लेगा तो 1/2 केजी की 350 रहते हैं, मैं डिस्काउंट करके 300 में देगा, ये वाला आपको 250 ग्राम की, 250 ग्राम लेगा तो 175 रहता है, मैं 150 में देगा, ठीक है। ये काजू वाली कहता है ना, ऐसा काजू वाली नहीं गए तो 250 ग्राम की 350 रहता है, मैं 300 में देगा आपको, गर्मी में दूर जाने के लिए मैं ऐसा पैक करके देगा, 2 महीने खराब नहीं होएगा, मैं पक्का पैक करके दे सकता है, गर्मी जाके फ्रिज में रह के खा सकता है तो 6 महीने खराब नहीं होगा, इसमें हमें पक्का पैक करके देगा, 1/2 केजी 250 ग्राम की आएगा,
अरिया का लिए तो फिलिंग चॉकलेट्स मिलता है, चॉकलेट के अंदर लिक्विड बेस आएगा, हनी फिलिंग, स्ट्रॉबेरी फिलिंग, पाइनएप्पल फिलिंग, ये सब खाली। तो अभी हम एक और पॉइंट पे रुके हैं जो है 500 ईयर ओल्ड ट्री है यहाँ पे, मतलब मुझे नहीं पता इनको कैसे पता कि वो 500 ईयर ओल्ड है। यहाँ पे सारे ट्रीज ही बहुत ज्यादा ओल्ड है, लेकिन हाँ बस कुछ तो पॉइंट बनाना है तो बना दिया। कौन सा? डाउन साइड वो लास्ट, हाँ लास्ट में वो दिख रहा है वो मोटा वाला, मतलब कुछ भी इन सब पेड़ कितने पुराने, इनको कैसे पता कि वो 500 इयर्स ओल्ड है। अच्छा ओके, जा सकते हैं? जाना नहीं है मेरे को, लेकिन वहाँ तक आप जा भी सकते हो, ये पूरा यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें 500 ईयर ओल्ड ट्री कैसा लगा? पहली बार जिंदगी में ट्री देखा है मैंने आज। तुम्हारी जिंदगी तृप्त हो गई ना? बड़ी अजीब सी चीज दिखी मेरे को, मुझे नहीं पता क्या है। भैया कौन है? वेलीगन बन दिया अंकल। हां ये क्या? सिचिन। हां सिचिन वन सिचिन। नेम इधर पानी, इधर इसका पानी, इसका पानी है। अच्छा इसमें क्या देते? ये क्या? इधर कुड़का निशा, उसका पीने के लिए, उसको पीने के लिए आधा कुड़ी कुड़का है हमारी। अच्छा वो बनाए हुए हैं ना वैसे बना के। अच्छा जवा रहे हैं हम, कुड़का बना के बताओ। अच्छा ये ओके, अच्छा ये पीने के लिए बना रहे हैं, इसका पानी, इसका पानी, हाँ इसका पानी इसमें है और इसको इसमें दे के और पीना हाँ पीना कुड़े। तो बेसिकली ये है आइस एप्पल जिसका पानी इन्होंने अलग से निकाल के रखा है और जो इसके अंदर से निकलता है वो और पानी मिक्स करके ये आपको पीने देते हैं। कैसा लगा गौरव? मीठा है ना? काफी मीठा बहुत है, एकदम कोकोनट वाटर जैसे ही लगा मेरे को तो। यार भैया ने हमसे 180 रुपीज लिया है, मतलब वो जो दो दिया है उसके, मतलब कुछ भी मुझे पता नहीं था वो क्या चीज है। मैंने ऐसे ही पी लिया तो कुछ भी मांग लोगे यार, हद हो गई। इसलिए कहते हैं भैया पूछ के तुम्हें कुछ भी खाना पीना चाहिए, वरना फिर कुछ भी मांगते हैं लोग। 180 रुपीज किस बात के यार? तो ये है कोड़ई की फेमस कोड़ई लेक, लेकिन कोड़ई लेक हम कल घूमेंगे, आज सिर्फ यहाँ पे मिलने वाली हॉट चॉकलेट पियेंगे। मैं किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे एक स्पेशल हॉट चॉकलेट है वो ट्राई करने का। हॉट चॉकलेट ओके, वन हॉट चॉकलेट। कोको ये बहुत कड़वा है। अच्छा इसमें हम घर में वो दूसरा वैरायटी में बनाए। हाँ ओके। अच्छा ये बहुत कड़वा है, फेमस है आपका हॉट चॉकलेट? ये कोड़े के में बहुत दुकान में हॉट चॉकलेट है। हाँ वो हॉट चॉकलेट नहीं है, थोड़ा पाउडर डालेगा, महिलो पाउडर वो डालेगा तो हॉट चॉकलेट बोलता है। इधर ऐसा नहीं है, रियल हॉट चॉकलेट। इधर कितना कितने का देते हैं? 80 रुपए का। 80 रुपीस पर थोड़ा देना। अभी हम हमारे रिसोर्ट वापस आ चुके हैं, अभी ऑलमोस्ट मतलब काफी चीजें हमने एक्सप्लोर कर ली है और बाकी बची हुई कल करेंगे। ये देखो हमारी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है ना, ये देखो। अभी हम लोग जा रहे हैं इनका स्पोर्ट्स वाला एरिया देखने के लिए, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी यार, काफ़ी सारे रूम्स हैं, मतलब अराउंड 200 रूम्स हैं इनके पास में। और व्यू देखो सामने इतना बढ़िया आ रहा है देखो। उसके बाद हम निकले हमारा रिसोर्ट एक्सप्लोर करने। इस रिसोर्ट में आपको गेम सेक्शन अलग से देखने मिलेगा, यहाँ आपको 3D थिएटर, कैरम, चेस, लूडो और काफी इंडोर गेम्स देखने मिलेंगे, जिसमें से कुछ आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और कुछ के लिए आपको पे करना होगा। उसके बाद हम पहुंचे डिनर करने के लिए। तो यहाँ डिनर में थी बहुत सारी सैलेड और बहुत ही ज्यादा आइटम्स, तो चलिए देखते हैं डिनर में क्या क्या है।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे रूम में डिनर इंक्लूडेड था, लेकिन अगर आपके रूम में डिनर इंक्लूडेड ना हो तो आपको पर पर्सन 650 रुपीस देना होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम कोडैकनाल के बचे हुए स्पॉट्स देखेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।